नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आर वाटर सपोर्ट चैनल। और इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है सो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से, इसका जो प्योर वाटर आ रहा है देख सकते हैं आप, बूंद बूंद आ रहा है। इसका मैं रिजेक्ट वाटर का फ्लो दिखलाता हूँ, देखिए बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन प्योर वाटर ड्रॉप ड्रॉप आ रहा है। अब मुझे इसको चेक करना होगा कि इससे प्योर वाटर ड्रॉप ड्रॉप क्यों आ रहा है। तो इसे चेक करने के लिए इस मेम्ब्रेन हाउसिंग का जो पाइप आया है पंप के थ्रू, और वो पाइप ये है, इस पाइप को मुझे निकाल करके यहाँ इसका प्रेशर चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे इस आरओ सिस्टम का जो पावर सप्लाई है मुझे उसको बंद करना पड़ेगा। और पावर सप्लाई को मैंने बंद कर दिया है। अब इस मेम्ब्रेन हाउसिंग का जो इनपुट है उसको मैंने निकाल दिया है, और अब मुझे यहाँ पे इसका प्रेशर चेक करना है कि पंप का प्रेशर कितना से हो रहा है। ऐसे तो अंगूठे से दबा करके भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है लेकिन एक्यूरेट पता नहीं चलता है। तो इसके लिए मैं एक प्रेशर गेज मीटर ले लेता हूँ और इसको मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इसमें प्रेशर गेज लगा दिया है, और इसमें एक मैनुअल में एक चाबी लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना प्रेशर शो हो रहा है। तो इसके लिए मुझे पहले इस चाबी को बंद करना पड़ेगा। और अब आप देख सकते हैं इसमें जो प्रेशर शो हो रहा है वो कितना है, और ये प्रेशर शो हो रहा है इसमें 140 to 160, यानी कि 150, यानी कि 150 PSI के आसपास इसका प्रेशर इसमें दिख रहा है, यानी कि पंप का प्रेशर बिल्कुल सही है। तो जब पंप का प्रेशर बिल्कुल सही है इसका मतलब ये है कि मेम्ब्रेन चौक हो चुका है। तो सबसे पहले इस प्रेशर को मैं रिलीज़ कर देता हूँ, और इस मेम्ब्रेन को मैं खोल करके देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं फिर से इसका पावर सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, और अब मैं इस मेम्ब्रेन हाउसिंग का जो कवर है मैं इसको खोल करके चेक करता हूँ। दूसरा मेम्ब्रेन डालता हूँ उसमें। मेम्ब्रेन का ढक्कन मैंने खोल दिया है, फिर इस मेम्ब्रेन को मैं बाहर निकालता हूँ। और ये मेम्ब्रेन काफ़ी हार्ड हो चुका है, बिल्कुल हार्ड हो चुका है। जबकि ये मेम्ब्रेन बिल्कुल वाइट है, लेकिन फ्लो रेस्ट्रिक्टर के स्लो होने के कारण ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है। देख लीजिए इसके अंदर गंदगी, तो इसके अंदर कोई गंदगी दिख नहीं रही है, बिल्कुल साफ़ है। फिर भी इसके अंदर सफाई करेंगे, इसके लिए एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे। स्क्रू ड्राइवर में मैं कपड़ा लपेट लेता हूँ, इसको अच्छे से साफ करना है। नीचे जो पेंदी में जो भी गंदगी वगैरह होता है उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश करना चाहिए कि नीचे थोड़ा भी गंदगी नहीं रहे, कम से कम उस एरिया में जिस एरिया से रिजेक्ट पानी निकलता है उस एलोवा वाली एरिया में। जैसे अभी मैं नीचे उसको गूंज रहा हूँ तो मुझे उससे खरखर की आवाज़ सुनाई दे रही है, और देख सकते हैं उसके अंदर से ऐसा हार्ड जैसे कि ये पत्थर हो उस टाइप का काफ़ी हार्ड प्रेसिपिटेट निकल रहा है। तो ये नीचे पूरा जमा हुआ है, इसको पूरा अच्छा से निकालना ज़रूरी होता है।
जब भी आप नया मेम्ब्रेन डालें तो नीचे जो भी बैठा हुआ हो, क्लोराइड वगैरह, उसके पपड़ी को तोड़ कर बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो उससे फ्लोर स्टिक्टर जो आप नया डालेंगे वो चौक हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल करके मैं इसको खंगाल लेता हूँ। और ये पहले से बहुत ही ज़्यादा साफ हो गया। थोड़ा सा मुझे और इसके अंदर हल्का सा गंदे दिख रहा है। अभी बिल्कुल साफ हो गया है। मैं थोड़ा इसमें पानी डालकर अच्छा से इसको धो देता हूँ। देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल आपको साफ दिखाई देगा। और अब मैं इसमें दूसरा मेम्ब्रेन डाल देता हूँ। और ये मेम्ब्रेन है जिसका ब्रांड का नाम है वोल्ट्रॉन। इसके QR कोड भी दिया हुआ है, इसका स्कैन करके आप इसका ओरिजिनिटी का पहचान करा सकते हैं। कोई बार कोड स्कैनर का ऐप्स आप इंस्टॉल करेंगे और इस QR कोड को स्कैन करेंगे और फिर आप देख सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन ओरिजिनल है या नहीं। तो अभी मैंने इसको स्कैन करके देख लिया, उसके बाद ही मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल नहीं है जिससे मैं स्कैन करके अभी आपको दिखाऊँ। किसी और वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसकी ओरिजिनलिटी का पहचान मैं आपको दिखा सकूं। अब मैं इस मेम्ब्रेन को इंसर्ट कर देता हूं। मैंने इस पर 5-6 बार अभी टेफ्लॉन टेप मारा दिया है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि वोल्ट्रॉन मेम्ब्रेन का जो नीचे वाला ओरिंग होता है वो काफ़ी पतला होता है, जिसके कारण TDS मेंटेन नहीं हो पाता है। TDS आपका 100 से ऊपर आता है, आप परेशान हो जाते हैं कि TDS मेंटेन क्यों नहीं हो पाया, कहीं ये मेम्ब्रेन डी तो नहीं है। लेकिन उसके पीछे कारण वही होता है कि ओरिंग का मेम्ब्रेन हाउसिंग के नीचे जो गैप है उसमें मेम्ब्रेन का नीचे जो दो ओरिंग होता है उसका सही से फिट नहीं होता। इस पर मैं जो अभी टेफ्लॉन टेप मार रहा हूँ उसके पीछे रीज़न ये है कि टेफ्लॉन टेप मारने के बाद इस एरिया से लीकेज होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है, इसलिए टेफ्लॉन टेप कोशिश कीजिएगा कि जब भी नया मेम्ब्रेन डालें कवर खोलें उसमें टेफ्लॉन टेप मार दें। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पाइप को, जो पंप से आया है पाइप, उसको मेम्ब्रेन हाउसिंग में इंसर्ट करके इस पर जो भी पानी वगैरह लगा हुआ है उसको आपको पोंछना है। नहीं तो जब अगली बार जब आप इसको खोलेंगे, जब ये सूख जाएगा तो इस पर आपको उसका दाग धब्बा नज़र आ सकता है। तो इसको अच्छा से मुझे अंदर में इंसर्ट कर देना है। आपको देख रहा होगा मैंने इसको इसमें इंसर्ट कर दिया है, क्योंकि फ्लोर स्टिक्टर का फ्लो को मैंने अच्छा से चेक किया है कि स्लो था। मैंने इसको साफ किया है तो पहले से स्लो का जो भी रेशियो था वो तो फास्ट हो गया है। लेकिन जब भी आप न्यू मेम्ब्रेन डालें तो न्यू फ्लोर स्टिक्टर भी डालना बहुत ज़रूरी रहता है। चूँकि ये कैम्फ्लो ब्रांड का 48 वोल्ट DC बूस्टर पंप लगा है, प्रेशर वगैरह काफ़ी अच्छा है, आपने देखा ही है वीडियो में 150 प्रेशर इसका दिख रहा था। तो यहाँ तो 550 CC का फ्लोर स्टिक्टर लगना चाहिए।
लेकिन मैं अभी 450 सीसी का फ्लोरस स्टिक्टर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो TDS है वो काफ़ी कम है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका TDS चेक करके। TDS हो रहा है और अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका जो मेम्ब्रेन का जो पानी निकलता है शुरू में वो बिना फ्लोर स्टिकर लगाए हुए मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेम्ब्रेन वॉश हो जाएगा। और चूँकि अभी पानी नहीं आ रहा है कारण यही है कि इसका जो मेम्ब्रेन मैंने अभी जो डाला है वो बिल्कुल ड्राई था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इससे पानी बिल्कुल आ रहा है। तो थोड़ी देर चलने देने के बाद मैं इसमें नया फ्लोर स्टिकर डालूँगा। और ये जो फ्लोर स्टिकर है उसका ब्रांड है केफ्लो। ज़्यादा करके मैं केफ्लो ब्रांड का फ्लोर स्टिकर यूज करता हूँ, कारण है कि इसका जो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन है वो तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है और इसका लाइफ भी लॉन्ग होता है। देख सकते हैं इसका फ्लोरेट, ना नॉर्मल होता है ना ज़्यादा फास्ट होता है। मैं आपको पाइप लगा कर दिखाता हूँ, इससे आपको इसका सही रेशियो का पता चलेगा। और इधर तो रिजेक्ट वाटर आने लगा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्योर वाटर का फ्लो। इसके लिए मुझे इसको इधर घुमाना पड़ेगा और आप देख सकते हैं कि इससे जो प्योर वाटर आ रहा है उसका रफ्तार कैसा है। और बिल्कुल इससे सही रफ्तार में फ्लो आ रहा है। काफ़ी अच्छा स्पीड है, जैसा स्पीड होना चाहिए उस हिसाब का। तो इस ढंग से यदि प्योर वाटर बूंद बूंद आ रहा हो और रिजेक्ट वाटर का फ्लो सही हो तो इस स्थिति में ज़्यादा चांस रहता है कि मेम्ब्रेन ख़राब हो गया हो। लेकिन मेम्ब्रेन डालने से पहले आपको बूस्टर पंप का प्रेशर को भी चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि मेम्ब्रेन चेंज करना है कि नहीं। ऐसे मेम्ब्रेन को निकाल करके उसको दबा करके भी आप देख सकते हैं ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, उससे भी पता चलता है कि मेम्ब्रेन चौक हो चुका है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन काफ़ी हार्ड है, दबाने से दबता नहीं है, काफ़ी प्रेशर देने के बाद भी लगता है जैसे मैं किसी पत्थर को दबा रहा हूँ। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।